माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार कामयाबी हासिल कर रहा है। भारत 2026 के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यह कहना है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का। उन्होंने दावा किया है कि साल 2026 में GDP 5000 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगी। 18 नवंबर 2023 को पहली बार भारत की GDP का आकार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार गया। इसी के साथ अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के काफी करीब है। चौथे नंबर पर मौजूद जर्मनी और भारत की GDP के बीच का अंतर अब बहुत कम बचा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7.2% के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रही। विदेशी निवेश के लिहाज से यह साल 2023 काफी अच्छा रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2023 में भारतीय शेयर बाजार में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए। वहीं डेट या बॉन्ड बाजार में भी लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल मिलाकर उनका निवेश 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। साल 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 10वें नंबर पर था, लेकिन मोदी जी के प्रयास और योगदान से आज भारत की इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। इसी के साथ भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है।